कपनी कपनी की वोट दिया दी राजनिवास कर रहा है बदमाश नहीं आते वक्त कोई बदमाश अच्छा नहीं नाम देखो देख ले तू कर दे सर सब इसमें आ जाएगा चालू बोल दिया सर जी करने अभी रोक दीजिए ना फिर लिखने लगेंगे कंसंट्रेट हो गया कितनों थके रहिएगा इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे ना कि बस सब थकान दूर हो जाएगा समझाते हैं बोर्ड में भरते हैं ठीक है बस देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाए हुए थे आज पढ़ा रहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है देखिए समझा देखो बोर्ड पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एकदम पहले इसको लॉजिकली बताते हैं तब इस पे लैंग्वेज लिखाएंगे है ना ये ऐसे देखिए कलम बताए थे इसमें ये पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ठीक है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इस पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की टूटने की बात करेंगे हम कल जैसे हम बोले थे कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे बोले थे कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे ये पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं लार्ज चेंज एक टर्म वहां यहाँ पर आएगा डेल्टा डेल का मतलब क्या होता है लार्ज चेंज डेल का मतलब क्या होता है लार्ज चेंज डेल का मतलब क्या होता है बोलो लार्ज चेंज तो यहाँ पर हम पूरा रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है ये पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनका टूटने की बात करेंगे पूरा का पूरा को टूटने की बात करेंगे है ना ये पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टूटने की बात करेंगे कितना देर में टूटता है ये जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा ये रिएक्टेंट है ज्यादा मात्रा में रिएक्टेंट है इसका जो कंसंट्रेशन होगा लार्ज देखो बड़ी कोस्ट है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन बड़ी कोस्ट में ए दे देंगे क्या पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बड़ी कोस्ट में बी दे देंगे क्या पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी बड़ी कोस्ट में सी दे देंगे क्या पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी बड़ी कोस्ट में बवा दे देंगे क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ बवा दे देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ठीक है समझाने के लिए बोल देंगे बवा को बड़ी कोस्ट को क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन उसमें जो भी रहेगा उसको इस तरह से पढ़ेंगे यदि ए है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इसको क्या पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा है ना एक चेंज यहाँ पर आएगा डेल लगाएंगे क्यों डेल लगाएंगे लार्ज चेंज डेल आर ठीक है जितना ज्यादा रिएक्टेंट है उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा डेल पी ये प्रोडक्ट है ना ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट ठीक है रिएक्टेंट ज्यादा है ज्यादा रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा क्या लगेगा ज्यादा समय कम समय लगेगा ज्यादा समय लगेगा जितना ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा उतना ज्यादा समय लगेगा उसको प्रोडक्ट बनने में यहाँ जो समय लगेगा क्या होगा डेल्टी की डेल्टी कोई दिक्कत तो यहाँ पर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट पहले निकाल लेते हैं रिएक्टेंट क्या होगा रिएक्टेंट बताए थे रिएक्टेंट माइनस में जाता है रिएक्टेंट में जाएंगे रिएक्टेंट क्या होता है माइनस माइनस यहाँ पर लिखेंगे माइनस रूम क्या लगाएंगे माइनस रेट ऑफ रिएक्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना डेल्टा आर क्या हो जाएगा डेल्टा बट चेंज इन टाइम डेल्टा डेल टी ठीक है एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट
अब ये रिएक्टेंट हो गया उसी तरह से एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस कोई दिक्कत तो ये कंसंट्रेशन हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट हो गया यहाँ डेल्टा क्यों लगाया डेल्टा क्यों लगा है लार्ज मात्रा है ना ज्यादा है कल हम डी लगा रहे थे स्मॉल डी क्यों लगा रहे थे ये ज्यादा चेंजिंग हो रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो समय क्या लगेगा इस तरह का बड़ी कॉस्ट क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन इसका डेफिनेशन क्या होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज लार्ज डेल्टा क्या बोलेंगे लार्ज चेंज इन टाइम जब भी लार्ज चेंज इन टाइम लगा दिए तब कहिएगा लार्ज चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहा है क्यों बोलेंगे समय ज्यादा लगा तो इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा ही होगा है ना जैसे स्मॉल टाइम बोलेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा सब रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट कम होगा है ना तो हम लार्ज चेंजिंग टाइम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है क्या डेफिनेशन लिखेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या लिखेंगे बोलो विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज लार्ज क्या बोलो लार्ज चेंज इन टाइम इज कॉल्ड बोलो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नोट करो स्टॉप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते देखिए एम ए प्लस एन बी गिव्स स्मॉल सी प्लस है ना डी इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एवरेज देखिए कैसे करते हैं ये जो है इसको उल्टा कर देना है यहाँ पे वन बटे वन इसको उल्टा देंगे कितना हो जाएगा माइनस वन बटे एम यहाँ पे डेल लगाएंगे डेल ए डेल टी आगे भी वन बटे वन इसको भी उल्टा देंगे क्या हो जाएगा माइनस वन बटे एम डेल बी या बटे डेल टी ठीक है बराबर वन बटे सी प्लस वन बाय सी डेल सी बटे डेल ये जो डी है इसको उल्टा देंगे प्लस वन बाय डी डेल डी या बटे कोई दिक्कत तो ये हो गया आपका पूरा ये बताया था सिम क्या दिक्कत है समझिए क्या दिक्कत है इसमें ये प्रोडक्ट ये जो है ना इसको उल्टा देंगे इसमें क्वेश्चन देखिए ना तब और अच्छा समझ में आएगा टू ए गिव्स थ्री बी ये जो है ना पीछे वाला कोफिशियंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट बोलते हैं इसको उल्टा देंगे आर एवरेज निकालेंगे तो टू बटे वन है इसको क्या कर देंगे माइनस वन बाय टू डेल ए बटे थ्री बटे वन को क्या करेंगे प्लस वन बटे थ्री प्लस ना हो जाए प्रोडक्ट ना प्रोडक्ट है प्लस डेल बी बटे कोई दिक्कत उल्टा देना ये पीछे वाला को उल्टा देना थ्री बटे वन का उल्टा क्या वन बटे प्लस क्यों लगा रहे प्रोडक्ट है रिएक्टेंट एक क्वेश्चन और टू ए प्लस थ्री बी गिव्स फोर सी इसका जो निकालना है क्या होगा नहीं होगा आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू डेल ए बटे डेल माइनस वन बाय थ्री डेल बी बटे डेल बी है प्रोडक्ट प्लस वन बाय फोर डेल सी या बटे ठीक है तो इस पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जांपल 4.1 और 4.2
4.1 में क्या कहता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक t बराबर 0 समय पर ये दे दिया आपको 0.03 m, तो तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा 0। कह रहा है t बराबर 25 मिनट में जो है यह परिवर्तित हो जाता है, मतलब टूट के बचता है 0.02 m, है ना। पहले कितना था t बराबर 0 समय पर 0.03 m, तुरंत प्रोडक्ट ये। और उसके बाद कह रहा 25 मिनट पर ये जो ये बचता है ना, अब कितना टूटता है वो नहीं यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा 25 मिनट में ये कितना बचता है 0.02। तो हमको क्या कह रहा है रिएक्टेंट, इसमें कह रहा है कि औसत वेग की गणना करे, मतलब हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम वाला बुक है नहीं आपके पास, है ना, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा निकालने के लिए, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की बात कर रहा था, किसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा किसी का ना, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बोलिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट फाइनल 0.02 इनिशियल 0.02 फाइनल माइनस क्या इनिशियल 0.03 बटे क्या चेंज इन टाइम 25 माइनस 0 कितना हो गया माइनस 0.01 बटे 25 सॉल्व कर देना क्या बना रहा है तो इसका हो जाएगा ये माइनस 1/25 या माइनस 4 हुआ ना 0.04 इन हुआ डबल जीरो नीचे आएगा माइनस 0.04 होगा ना यहाँ पे सर माइनस 1 में चाहिए आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा हाँ कंसंट एम पर सेकंड ये यूनिट होता है ये हो गया आपका 4.1 इसी में देखिए 4.2 क्या कहता है 4.2 बढ़िया क्वेश्चन है 2a प्रोडक्ट है ठीक है 2a प्रोडक्ट है इसमें कह रहा है कि a का कंसंट्रेशन 10 मिनट में ये जो है टी बराबर 0 समय पर ये टी बराबर 0 समय पर है आपको 0.5 है तुरंत प्रोडक्ट 0 अब कह रहा 10 मिनट टी बराबर कितना मिनट 10 ये 10 मिनट में ये हो जाता है 0.4 घट जाता है और रह जाता है तो कह रहा है इसका जो है तो इसका बोल रहा है एवरेज वही निकालने के लिए लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ आर एवरेज वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आर एवरेज बराबर क्या रिएक्टेंट माइनस 1/2 डेल ए बटे क्या हो जाएगा बोलो डेल टी नहीं होगा पीछे वाला क्या होता उलट जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 और डेल ए कितना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.5 बटे चेंज इन टाइम चेंज इन 10 माइनस 0 इसको सॉल्व कर देंगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 0.4 में से 0.5 जाएगा तो माइनस 0.1 ये माइनस माइनस प्लस 1/2 गुना 10 एक बटे क्या हो जाएगा ये 20 ये 0.5 आएगा 0.05 एम पर सेकेंड ठीक है दिक्कत है रिएक्टेंट का शुरू में इतना दिया है तो अभी कितना इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हम शुरू में नहीं करवाया है चेंज इन कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट निकालेंगे तो मतलब क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल बट चेंज इन टाइम ये हो गया उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ये दिया है तो पीछे वाला क्या हो जाता है उलट जाता है ना रिएक्टेंट है तो माइनस हो जाएगा अभी होता है ना एवरेज निकालने के लिए डेल्टा ए बराबर क्या होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज बराबर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल 0.4 इनिशियल 0.5 बट चेंज इन टाइम 10 माइनस 0 इसी फॉर्मूला ठीक है स्टॉप कीजिए।